60 वर्ष हो गए गाते हुए। शिखर तक के जो चरमोत्कर्ष होता शिखर के, हम लोगों के लिहाज से आप वहां तक पहुंच गई हैं। और जब आप पीछे मुड़ के देखती होंगी तो सारा अतीत आपको याद आता होगा। तो अब आपको लगता है कि जो आप अचीव करना चाहती थी, जो पाना चाहती थी, जिसे आप उपलब्धि का पैमाना मानती थी, वहां तक पहुंच गई हैं, या आपको लगता है कि अभी और कुछ बाकी रह गया जहां पहुंचना है? देखिए, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि किसी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सब पा लिया है, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है, इसमें आदमी परिपूर्णता कभी नहीं पाता। आप जितना भी उसको मत अंदर जाएं, उतना ही ये सागर गहरा है। और मेरा ख्याल है ये मरते दम तक करना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने सब पा लिया। इसका पैमाना क्या होता, क्या मतलब आप चाहती कि किस जगह तक, किस मुकाम तक पहुंचे, गानों के लिहाज से कि इतने गाने गा लिए मैंने, या क्या होना चाहिए, इसका कोई मापदंड है? नहीं, गाने गा लिए इसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि गाने मैंने बहुत गाए। हो सकता है उसमें से कुछ गाने बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कुछ अच्छे नहीं है, पर संगीत यहाँ ख़त्म नहीं होता है। ये फिल्मी गाने हुए, इसके अलावा सुगम संगीत भी होता है, और सबसे बड़ा होता है क्लासिकल म्यूजिक। और क्लासिकल म्यूजिक जितने लोग गाते हैं, बजाते हैं, आज तक जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ संगीत गाने वाले हुए हैं, वो हमेशा यही कहते रहे कि नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, वो कुछ करना क्या होता है जिसे अभी अभी करना बाकी रह गया, क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत में भी बहुत गाया। शास्त्रीय संगीत गाया पर फिल्मों के लिए गाया, शास्त्रीय संगीत मैंने वो नहीं गाया जैसे शास्त्रीय संगीत गाते हैं। उसके लिए जो एक रियाज करना चाहिए, उस रियाज के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता, अधूरा। मुझे सिर्फ यही लगता है कि मैं और थोड़े दिन पहले अगर थोड़ा क्लासिकल का और ये करती और मैं क्लासिकल गाती तो अच्छा होता, पर अब थोड़ा मुश्किल लगता है, पर फिर भी मैं गाऊंगी, मैं कोशिश तो करूंगी। होगा कितना वो मुझे मालूम नहीं, पर इच्छा बहुत है। खास तौर पे मेरी इच्छा ये है कि मैं भगवद गीता रिकॉर्ड करूँ। लता मंगेशकर अपने आप से संतुष्ट हैं? अपने आप से संतुष्ट मेरा ख्याल, जहाँ तक मेरे काम का सवाल है, मैं कभी नहीं होती हूँ। मुझे हमेशा कोई ना कोई नुक्स नज़र आता है। मैं अपना गाना नहीं सुनती हूँ, इसलिए नहीं सुनती हूँ कि मुझे लगता है मालूम नहीं कैसे गाया है, एक डर सा रहता है। और गाना सुनने के बाद लगता है अगर ये इससे भी अच्छा गाती तो अच्छा होता। तो जब कोकिला कंठ को अपना डर लगता है, अपने गाने से इतना डर लगता है, तो बाकी लोगों को क्या होता होगा? नहीं, बाकी लोगों को शायद डर नहीं लगता, मेरा ख्याल है। आप में इतनी डर की वजह क्या है? ये जो परफेक्शन की चाहत है, अकुलाहट है कि भाई बिल्कुल एक परफेक्शन हमें पाना चाहिए। ये डर होता है कि गलती ना हो, कहीं सुर से हट ना जाए, या कहीं बोल में गड़बड़ ना हो, या एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं आया तो अच्छा नहीं होगा। तो वो एक रह जाती है बात अंदर कि भाई ये इससे अच्छा हो सकता था। आपसे भी गलती होती है गाने में? क्यों नहीं, मैं इंसान हूँ, गलती करना तो स्वाभाविक है। आपने ये क्यों कहा कि अगर आपको कभी दूसरी जिंदगी जीनी पड़ी तो आप लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगे? चूंकि इसमें बहुत मुश्किलें हैं। एक तो सच्ची बात यह है कि अगर हम लोग हिंदू हैं और हम लोग पुनर्जन्म में मानते हैं, अगर वाकई पुनर्जन्म है तो भगवान करे मुझे पुनर्जन्म ना मिले, और अगर उसको पुनर्जन्म देना है तो भारत में ही दे, महाराष्ट्र में दे, और कोई छोटे से घर में दे, और लड़की नहीं लड़का बना के। और लता मंगेशकर ने बनाया आपको? ना, बड़ी मुश्किल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टीस है आपके मन में, उस कष्ट की, उस संघर्ष की, उस दुख की गाथा की? नहीं, गाथा नहीं है, कोई गाथा नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं है, पर इतना सब करते हुए आदमी को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती है, बहुत सहना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। तो वो क्यों, एक आराम की जिंदगी देना जिसमें कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई ये नहीं, कोई मुश्किल ना।